तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। एक बार फिर राष्ट्रपति ने यूएन में वही पुराने कश्मीर राग को अलापा है। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान का करीबी कहे जाने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने महासभा परिचर्चा के दौरान कहा, भारत और पाकिस्तान 75 साल पहले अपनी संप्रभुता और आज़ादी स्थापित करने के बाद भी अब तक एक दूसरे के बीच शांति और एकजुटता कायम नहीं कर पाए हैं। इस दौरान एर्दोगन ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम कश्मीर में स्थायी शांति और खुशहाली कायम होने की आशा और कामना करते हैं। वैसे एर्दोगन के अलावा उनके देश के कई दूसरे राजनेता भी कई बार कश्मीर मुद्दे का जिक्र कर चुके हैं। हालांकि भारत ने हर बार तुर्की को करारा जवाब देते हुए कश्मीर को अपना आंतरिक मामला ही बताया है। इस बार तुर्की ने कश्मीर को लेकर बात तो उठाई, लेकिन हमेशा आक्रामक रहने वाले और पाकिस्तान के साथ खड़े रहने वाले तुर्की ने इस बार नरमी दिखाई है। आखिर उसे अचानक क्या हुआ है? एर्दोगन इस मामले पर इतने नरम आखिर कैसे पड़ गए? वैसे अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई SCO की मीटिंग के दौरान भी एर्दोगन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का अनुरोध किया था। ये प्रस्ताव हैरान करने वाला था, क्योंकि साल 2019 में जब भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था, तब एर्दोगन ने कहा था कि ये फैसला इस मुद्दे को और जटिल बना सकता है, और अब उनका कहना है कि कश्मीर मसले को हल किया जाना चाहिए। अब इसे भारत के कड़े रुख का ही नतीजा न कहा जाए तो और क्या कहें, क्योंकि भारत ने हमेशा से ही एर्दोगन की बयानबाजियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पूरी तरह से अस्वीकार किया है। भारत कहता रहा है कि तुर्की को बाकी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना सीखना चाहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।